दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया। पूर्व सीएम की आकस्मिक मौत से पार्टी में शोक की लहर फैल गई। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के निधन पर शोक प्रकट किया। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से शुक्रवार को उनका निधन हुआ। शीला दीक्षित के निधन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता आहत और दुखी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ चुके और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस पार्टी के नेता मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि शीला दीक्षित का असमय मृत्यु का समाचार सुनकर आहत महसूस कर रहा हूँ। उनकी जैसी शालीन नेता का जाना कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति। साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पीसीसी सदस्य मदन कुमार त्रिपाठी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शीला दीक्षित की मृत्यु से कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। वहीं कांग्रेस के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरि ने कहा कि पार्टी और दिल्ली के लिए शीला दीक्षित की कमी हमेशा रहेगी। इस मौके पर गोरखपुनी से बात करते हुए लोकसभा प्रत्याशी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मधुसूदन त्रिपाठी, वरिष्ठ नेता व पीसीसी सदस्य मदन कुमार त्रिपाठी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरि ने कहा, आप मोहन मदन कुमार त्रिपाठी, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी का सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री श्री दीक्षित जी का निधन हुआ, कितना क्षति हुआ? बहुत, क्योंकि उनका पारिवारिक, उनके ससुर उमा शंकर दीक्षित जी राजनीति में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता थे, कर्नाटक के गवर्नर थे, सेंट्रल में मिनिस्टर थे, उनकी बहू थी। इनके पति विनोद दीक्षित आईएएस अफसर थे, यहाँ गोरखपुर में भी वह गंडक परियोजना के में थे। शीला जी सेंट्रल में मिनिस्टर थे। अभी हमारे एमपी साहब ने कहा कि कन्नौज से दो मरतबा वो सांसद रहीं, सेंट्रल में मिनिस्टर रहीं, दिल्ली की तीन मरतबा मुख्यमंत्री रहीं, गवर्नर रहीं और आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उन्होंने दिल्ली को एक नई दिल्ली बनाया। दिल्ली की जो हालत थी, आज दिल्ली को लोग जाकर देखते हैं तो सोचते हैं कि वो दिल्ली कहाँ गया। जो शीला दीक्षित ने जो दिल्ली बनाया, उसे दिल्लीवासी नहीं पूरा देश बड़े गर्व से, बड़े श्रद्धा पूर्वक उनका नमन करता है। और ऐसी साहसी महिला, भगवान उनके परिवार को शांति दे। कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे सांसद जी ने भी कहा है, उससे हम संबद्ध करते हुए यही कहेंगे कि उनके भगवान कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा कष्ट दिया है, सहने की शक्ति दें। हम सभी लोग उनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा मौजूद हैं। आज कांग्रेस की बहुत बड़ी क्षति हुई। शीला दीक्षित जी कांग्रेस की सबसे वरिष्ठतम नेता थी और सूझबूझ वाली थी। वो 1984 से लेकर 89 तक कन्नौज से एमपी का चुनाव लड़ी थी और जीती थी। उसके बाद वो दिल्ली में तीन बार सीएम रह चुकी थी और दिल्ली को पूरा उन्होंने चेंज कर दिया था। जितना कुछ हो सकता था सजाई थी दिल्ली को, और अभी तक सब कुछ वही है जो शीला दीक्षित ने किया था। और उसके बाद वो केरला की गवर्नर हुई। चुनाव जब एमपी का सुबुगाहट थी और चलने वाला था तो मैं शीला दीक्षित से मिलने गया था, मेरा फोटो भी उनके साथ वायरल हुआ था और मैंने कहा कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने सिर्फ मुझसे ये कहा कि तुम जा करके प्रियंका से मिल लो। मैं उसी के बाद प्रियंका जी से मिला और प्रियंका जी ने कहा ठीक है, समय आने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी। तो मेरा कांग्रेस में जाना और कांग्रेस के प्रति जो रुझान जो है वो शीला दीक्षित से प्रेरणा से हुई, क्योंकि मैं उनके मकान पर दो बार गया था और दोनों बार मुझको मिली, चाय पिलाई, बहुत सप्रेम से भेंट की और बहुत ही अच्छा लगा उनका मृदुल व्यवहार। की सीएम तीन बार रहते रहने के बावजूद भी उन्होंने जो इज्जत दिया उसको मैं भूल नहीं सकता हूं। और आज बहुत कांग्रेस जो है उसके बहुत क्षत हुई है, सारे कांग्रेस जन बिल्कुल दुखी हैं कि हमारे बीच से शीला दीक्षित जी नहीं रही जो इतने दिनों तक
देश की सेवा की, कांग्रेस की सेवा की, और आज हम लोग दुखित हैं। मैं प्रार्थना भगवान से करता हूं कि उनकी आत्मा को सुख शांति दें, उनके परिवार को सहन शक्ति दें इस दुख की घड़ी को, तथा हमारे कांग्रेस पार्टी को भी इसको बर्दाश्त करने की शक्ति दें। धन्यवाद। अरुण कुमार अग्रहरी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। शीला दीक्षित का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के लिए है, और विशेषकर दिल्ली के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। को जिस तरह से उनके अंदर एक मंत्री के रूप में भी, मुख्यमंत्री के रूप में भी, और संगठन के एक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य चलाने की क्षमता थी, अनुभव था, और बड़े निपुणता से वो सबको लेके एक साथ लेके काम करने में वो उनको पारंगत एक तरफ से कह लीजिए हासिल था, और दिल्ली के विकास के लिए वो सदैव जानी जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो क्षति सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही, पूरे भारतीय राजनीति के लिए वो बहुत बड़ी क्षति है।